वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स फॉर योर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल बजट 2021 और 22 की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने 2021 और 22 का बजट पेश कर दिया है और यह बजट माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के कार्यकाल का चौथा बजट है। आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आपको हम बताएंगे कि इस बजट में क्या खास रहा और क्या बड़ी बड़ी घोषणाएं सरकार ने की है 2021 और 22 के बजट में। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि 30,000 युवाओं को रोजगार देगी हिमाचल प्रदेश सरकार 2021 और 22 के बजट में और बहुत से कर्मचारियों का यहां पर मानदेय भी बढ़ाया गया है। तो बात करते हैं यहां पर शुरू से, लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी तक JOIT स्पेशल ऑफर को बाय नहीं किया है तो बाय कर लीजिए क्योंकि दो हफ्ते के बाद आपका एग्जाम होने वाला है 21 मार्च 2021 को। तो इसके लिए आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, इसके लिए आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने होंगे। यहां पर आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे और साथ में आपको यहां पर स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बात करते हैं यहां पर हिमाचल बजट 2021 और 22 की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने 50,192 करोड़ का बजट पेश किया है। कुल राजस्व घाटा 1,463 करोड़ रुपए अनुमानित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी की वजह से चुनौतियां अभूतपूर्व थी। जिन हेल्थ केयर वर्कर और अन्य लोगों ने लोगों की सेवा की है उनका वो आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि योजना विभाग का नाम बदलकर अब नीति विभाग किया गया है। हिमाचल प्रदेश में साल 2021-22 के लिए सभी क्लास वन ऑफिसर्स को अपनी संपत्ति और आय का ब्यौरा सरकार को देना होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने की सरकार ने घोषणा कर दी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय प्रतिमाह 500 रुपये बढ़ाने की सरकार ने आज घोषणा कर दी है। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय प्रतिमाह 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा की है। आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय प्रतिमाह 300 रुपये बढ़ाने की सरकार ने आज घोषणा कर दी है। अंशकालीन कर्मियों और नंबरदारों का मानदेय बढ़ाया। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग में कार्यरत अंशकालीन कर्मियों का मानदेय 300 रुपये बढ़ाया है और इसके अलावा नंबरदारों का मानदेय भी 300 रुपये बढ़ाया गया है। इसके अलावा जल विभाग में, मतलब कि जल शक्ति विभाग में, जल गार्ड, पैराफिटर और पंप ऑपरेटर का मानदेय 300 रुपये बढ़ाने की सरकार ने आज घोषणा कर दी है। इसके अलावा यहाँ पर SMC शिक्षकों, IT शिक्षकों, मिड डे मील कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की भी सरकार ने यहाँ पर घोषणा कर दी है। SMC टीचर्स के मानदेय को प्रतिमाह 500 बढ़ाने की सरकार ने घोषणा की है। इसके अलावा आउटसोर्स IT शिक्षकों का प्रतिमाह मानदेय भी 500 बढ़ाने की घोषणा सरकार ने आज कर दी है। मतलब कि अब आपको 1 अप्रैल 2021 से आपका जो मानदेय होगा वो 500 रुपये बढ़ा हुआ मिलेगा। मिड डे मील कर्मियों और वाटर कैरियर का प्रतिमाह जो मानदेय है उसको भी 300 रुपये बढ़ाने की सरकार ने घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकट में आशा वर्करों ने बेहतरीन काम किया है, इसलिए आशा वर्करों का जो मानदेय है वो प्रतिमाह 750 रुपये बढ़ाने की आज सरकार ने घोषणा कर दी है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं यहाँ पर खिलाड़ियों के मानदेय की या उनकी डाइट मनी की। खिलाड़ियों की डाइट मनी दोगुनी करने की सरकार ने घोषणा कर दी है और 3री, 5वीं, 8वीं कक्षाओं के लिए परीक्षा को अनिवार्य कर दिया है। स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू किए जाएंगे। शतरंज के खेल को बच्चों में प्रोत्साहित किया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं पंचायत चौकीदारों का मानदेय बढ़ाने की सरकार ने यहाँ पर घोषणा कर दी है। जी हाँ, पंचायत चौकीदारों का जो मानदेय है वो 300 रुपये बढ़ाने की सरकार ने घोषणा की है। सिलाई अध्यापिकाओं का जो मानदेय है उसको भी 300 रुपये बढ़ाने की सरकार ने यहाँ पर घोषणा कर दी है। इसके अलावा 102 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई है, इन्हें 10-10 लाख रुपये दिए जाएंगे। 412 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई है। अब कुल 3,615 ग्राम पंचायतें हो गई है। सभी नवगठित पंचायतों में पंचायत घर बनाए जाएंगे, यह चरणबद्ध तरीके से बनाए जाएंगे। पंचायतों में 2,982 कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाएंगे। देखिए, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं या आप तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन की और आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ पर बहुत सी बातों को नोट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के बागवानों के लिए सरकार ने क्या घोषणा की है। बागवानों के लिए 543 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बागवानों के लिए 5 लाख पौधा का आयात किया जाएगा। बागवानों को उपदान देने के लिए नई स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवानी योजना शुरू की जाएगी। हेलनेट के लिए बागवानों को
उपदान दिया जाएगा, मतलब कि सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए 60 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने राज्य मधुमक्खी बोर्ड के गठन की घोषणा कर दी है। 2021-22 में फूलों की खेती के लिए 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। बागवानों के लिए 543 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। दूध खरीद मूल्य 2 रुपए बढ़ाने की सरकार ने घोषणा कर दी है, मतलब कि आपका जो दूध डायरी फार्म में जाता है अब आपको यहाँ पर 2 रुपए बढ़े हुए मिलेंगे। 2021-22 में मिल्क फेड को 28 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के युवाओं से संबंधित घोषणाओं की। 30,000 से अधिक पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में सर्वाधिक 12,000 पदों को भरा जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन से विभाग में कितने कितने पद भरे जाने वाले हैं। 2021-22 में स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4,000 पद भरे जाएंगे और ये पद क्लास 4 से लेकर क्लास 1 तक रहने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 4,000 पद भरे जाएंगे। यहाँ पर JVT TGT के पद रहने वाले हैं। शिक्षा विभाग में मल्टी टास्क वर्करों के 8,000 पद भरे जाने वाले हैं और इन पदों के बारे में चर्चाएं तो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन अब हो सकता है कि इस साल अप्रैल के बाद इन पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर लोक निर्माण विभाग मतलब कि PWD विभाग में मल्टी टास्क वर्करों के 5,000 पद भरे जाएंगे। PWD विभाग में इतनी बड़ी भर्ती बहुत समय बाद होने वाली है। जल शक्ति विभाग में पैराफीटर, पैरा पंप ऑपरेटर और मल्टी टास्क वर्करों के 4,000 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबल के 1,350 पद भरे जाएंगे और सब इंस्पेक्टर के 70 पद भरे जाने वाले हैं। अगर बात करें यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल की तो इनके लिए नोटिफिकेशन इसी महीने आने की पूरी संभावनाएं हैं। और बिजली बोर्ड में पद भरे जाएंगे, JEE के पद भरे जाएंगे, सहायक अभियंता के पद भरे जाएंगे, पशुपालन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे और यहाँ पर JOIT के पद भी भरे जाएंगे। इसके अलावा क्लास 4 कर्मचारियों के लगभग 1,000 पद यहाँ पर सरकार भरने वाली है 2021-22 के कार्यकाल में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में घोषणा करते हुए कहा कि 2021-22 में प्रदेश सरकार 30,000 से अधिक पदों को भरने का लक्ष्य रखेगी। HRTC के लिए 370 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने रखा है। बजट 2021-22 में हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC के लिए 370 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। HRTC में इलेक्ट्रिक बसों सहित 200 बसों को खरीदा जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 3,016 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। बजट 2021-22 में हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 3,016 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें बीते वर्ष के मुकाबले 314 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी सरकार ने की है। अगर आप JOIT स्पेशल ऑफर को बाय करना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9805015005। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमसे व्हाट्सएप पे अपना जो ऑफर है, जो PDF है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हिमाचल प्रदेश की सरकारी और प्राइवेट नौकरियों की जानकारी सबसे पहले और समय पर मिलती रहे। वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में जरूर शेयर कीजिएगा।